हर हर महादेव। समस्तीपुर जिले से, बिहार से एक रामकृष्ण मिश्र मैथिल ब्राह्मण हैं। इनका एक प्रश्न है, देखिए। क्या पुरुष को तुलसी में जल अर्पण का अधिकार है, ये पूछ रहा है। मतलब क्या पुरुष भी तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, क्या केवल स्त्रियों को ही चढ़ाना चाहिए, ये प्रश्न है। अरे भाई, तुलसी में जल सींचने का बड़ा पुण्य है, बहुत फल है, और मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी तथा स्त्रियों को भी तुलसी में जल सींचने का पूर्ण अधिकार है, और विधवाओं को भी, खास रूप से स्त्रियों को, चाहे वो कन्या हो, सौभाग्यवती हो, विधवा हो, और शूद्रों के लिए भी, स्त्री और शूद्रों के लिए खास रूप से तुलसी का पूजन बतलाया गया है, गौ की सेवा बतलाई गई है, तो इन लोगों के लिए तो अत्यंत महत्वशील है ही, महत्वपूर्ण है ही, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। वे अपने अपने कृत्यों को करके और फिर तुलसी की सेवा, संध्या वंदन आदि करके, अग्निहोत्र आदि करके करें। जिन लोगों को, देखिए ध्यान दीजिए, एक बात और बतला दें कि जिन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अनुपनीत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी, जिनका यज्ञ उपवीत नहीं हुआ है ऐसे, और जो जिनको यज्ञ उपवीत का अधिकार ही नहीं है, ऐसी महिलाएं और चतुर्थ वर्ण वाले लोग, तो इनको भी वही फल मिलेगा जो वेदाध्ययन करने से, अग्निहोत्र करने से जो द्विजों को प्राप्त होगा, वो स्त्री शूद्रों को तुलसी की सेवा से प्राप्त हो जाएगा। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। देखिए बतला रहे हैं कि ये कार्य समान है, सम फल देने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के तीसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है, यहां आप इसको पढ़ सकते हैं। 34वें श्लोक से लेकर के और आगे 39 श्लोक तक ये प्रसंग चला है, तो जिसमें देखें कि वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। वेदादि यानी ओंकार, वेद का आदि जो ओंकार है उसका जप, यद्यपि ओंकार का जप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गृहस्थों के लिए भी निषिद्ध है, केवल परिव्राजक सन्यासी ही ओंकार का स्वतंत्र रूप से जप कर सकते हैं, और मुख्य रूप से मंत्रों के साथ, मंत्रांग के रूप में, कर्मांग के रूप में सब लोग जप कर सकते हैं। और वेद माता गायत्री, तो ओंकार का जप, गायत्री का जप, पौरुषम सूक्तमेव च और पुरुष सूक्त का जप, हर एक वेद में, हर वेद की हर शाखा में प्रायः जो है पुरुष सूक्त है, तो उसका पाठ, और त्रयी माने वेदत्रयी, भागवतम और भागवत का पाठ, और द्वादशाक्षर एव च, और द्वादशाक्षर मंत्र जो भगवान विष्णु का मंत्र है वो, उसका जप करना। द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रंच सुरभिर्द्वादशी तथा और तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर् न पृथक भाव इष्यते। इसी प्रकार से और भी बतलाए गए हैं, तीर्थ का सेवन, प्रयाग आदि तीर्थ का सेवन करना, गंगा जी का सेवन करना, है ना, और द्वादशी यानी एकादशी का व्रत करना, ये सब कार्य जो बतलाए गए हैं, पुरुषोत्तम मास में नियमों का वहन करना और तुलसी की सेवा करना, ये न पृथक भाव, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है, इनका फल सबको अधिकारी रूप से, समान रूप से प्राप्त होता है। जो जो जिस जिस कर्म का अधिकारी है वो उस कर्म को करें, इनमें फलों में कोई भी भेद नहीं है, सब समान है। और भी आगे कह रहे हैं, देखिए कि उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। देखिए जो भागवत जी का पाठ करना, भगवत चिंतन करना, कृतम च हरि चिंतनम और भगवान का ध्यान करना, मतलब भागवत का पाठ, चिंतन, पठन, मनन और भगवान श्री हरि का चिंतन, नाम जप, कीर्तन आदि, और तुलसी पोषणम चैव और तुलसी जी का सेवन,
यानी तुलसी वृक्षारोपण और उसमें जल सिंचन, उसका संरक्षण और धेनु नाम सेवनम समम, और धेनु की गौ की सेवा करना, गो संरक्षण, गाय का जो है पालन, ये सब समम, ये सब समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो अधिकारी भेद से मुख्य रूप से अगर इसका अर्थ यो नहीं ले लेना कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सोच है कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो चुका है, जो गायत्री मंत्र के, सूर्यार्घ के, अग्निहोत्र के, तर्पण आदि के अधिकारी भी हैं, लेकिन वे सोच हैं कि हम तो चलो तुलसी में एक लोटा जल चढ़ा देंगे और हमारा काम हो गया, तब नहीं है। आप संध्या वंदन करके ये भी करिए, तुलसी का सेवन करना और जो है भगवान का कीर्तन करना ये परम आवश्यक है, लेकिन अपना कर्तव्य का परिपालन पूर्वक। तो इस तरीके से यूं समझ लीजिएगा कि तुलसी जी की सेवा जैसे पूछी थी, तो तुलसी की सेवा चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए, और स्त्री शूद्र अंत्यज और विधवा आदि सभी के लिए परम आवश्यक है, और जो सबके लिए वो शास्त्र ने अनुमति प्रदान की है, सब उसके समान रूप से अधिकारी हैं। हर हर महादेव।